Hi everyone, I hope you all are doing amazing. In this video, we will talk about the third lecture of unit number 10, Inclusive Education. जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा crash course जो है वो अभी चल रहा है, फिलहाल के लिए live है हमारे channel पे. तो Inclusive Education के पहले दो lectures हमने ले लिए हैं. अगर in case आपने नहीं देखा है वो तो पक्का से उनको भी देखिएगा. सारे आपको playlist में एकदम timely order wise आपको सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है. तो आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट, कल बाकी दो लेक्चर्स में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, एवरीथिंग एंड लीगल प्रोविजंस को स्टार्ट किया था. तीन लीगल प्रोविजंस पढ़े थे. आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के जितने भी पार्ट ए में आपके लीगल प्रोविजंस आती है अलॉन्ग विद ये वाला टॉपिक कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू डाइवर्स लर्नर्स, इनको आज कंप्लीट करेंगे. और एंड में आई थिंक मैंने आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है रिलेटेड टू रिसर्च मेथोलॉजी. तो एंड तक बने रहेगा वीडियो के. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन और पेपर वन, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज माई प्रोफाइल इन केस यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आप मेरा टेलीग्राम एंड साथ ही साथ यूट्यूब दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको रिलेटेड टू एग्जामिनेशन जितने भी नोटिफिकेशन एंड न्यूज़ वगैरह होती है वो सारे मैं आपको टाइमली सेंड करती रहती हूँ. ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ऑन दिस नोट. सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज एनपीडी 2006, ठीक है. तो एनपीडी क्या होता है? एनपीडी स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 और नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबिलिटीज 2006. ओके, सो ये एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स की तरह देखा गया है. यहाँ पे नेशनल पॉलिसी जो है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स या फिर कंट्री की धरोहर की तरह देखा गया. और यहाँ पे बोला है कि उनको भी पूरा पूरा अधिकार है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जो कि एक्सेप्टिंग हो, जो वेलकमिंग हो और जो कि उनको भी पूरा पूरा अधिकार दे एक नॉर्मल एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करने का. तो इसीलिए उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स शुड बी देयर एंड फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी भी उनकी होनी चाहिए. सो इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड डिग्निटी. तो हमने पढ़ा है कि हमारा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है या फिर हमारा जो संविधान है उसने उसमें जितने भी आपकी इंडियन सिटीजन्स है सबके लिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री तो सबके लिए यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे कंप्लीट राइट्स है, फुल राइट्स है. जैसे कि फ्रीडम टू इक्वालिटी, फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जस्टिस, डिग्निटी, ये सारी चीज़ें. तो पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी हमें किसी भी तरीके से वंचित नहीं रखना है उनमें. सो इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल दीज राइट्स एंड ऑल्सो दीज आर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इम्प्लिसिटली मैंडेट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटीज. सो द नेशनल पॉलिसी रिकोगनाइजेज द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन लीड अ बेटर quality of life if they have equal opportunities and effective access to rehabilitation measures. तो यहाँ पर यही बोला है कि ऐसे जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करो. क्यों? क्योंकि उनमें रिहेबिलिटेशन से वो एक बेटर ज़िंदगी जी सकते हैं, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको लिविंग हम उसको दे सकते हैं. आगे देखते हैं कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं. तो गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी कंटेंट है ना काफ़ी थियोरिटिकल है और एक्चुअल में थियोरिटिकल है और आपको थोड़ा बहुत इनको याद रखना पड़ेगा. तो क्योंकि आपको थोड़ा हेल्प हो, तो जब हमने देखा कि बुलेट पॉइंट्स या फिर पॉइंट वाइज जब भी हम चार्ट वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी थ्योरी को पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा याद रहता है वो चीज़. तो आई हैव ट्राइड इन माय कंटेंट कि मैं जितना चाहे जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज ही प्रोवाइड करूँ. तो इनके सब अगर आपको आपके लिए याद रखना बहुत मुश्किल हो सकता है तो आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट को एक बार देख लो, एक बार दो बार पढ़ लो, समझ लो. तो पॉइंट वाइज आपको पढ़ने से ज़्यादा अच्छी तरीके से वो चीज़ें रिटेंशन होंगी, ठीक है, आपकी मेमोरी जो है वो रिटेंशन होंगी. सो द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ये क्या है देख लो. सो फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सबसे पहले, क्योंकि डिजेबल्ड है तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन सबसे पहले होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी. देन विच इंक्लूड्स अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन. ये हमने लास्ट वाले जो हमने राइट पढ़ी थी PWD वाले में भी पढ़ा था कि अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए. अगर बच्चे को हमने हेल्प करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो इशू कौन सी इशू से वो जूझ रहा है. अगर इशू का हम आइडेंटिफाई ना कर पाए तो उनको हम रेमेडी कैसे दे सकते हैं ना. तो पहले डायग्नोसिस होनी चाहिए, पहले डिटेक्शन होना चाहिए. और अर्ली जितना जल्दी अपना डायग्नोसिस या फिर डिटेक्शन होगा उतना ही बढ़िया हम रेमेडी दे सकते हैं और बच्चे में सुधार उतनी ही जल्दी हमें दिख भी सकता है. सो इंटरवेंशन या फिर डिटेक्शन अर्ली हो सके. काउंसलिंग एंड मेडिकल इंटरवेंशंस भी बहुत ज़रूरी है. प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस आर ऑल्सो मैंडेटरी. तो यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो अभी इतना एक कॉमन
कॉन्सेप्ट बन चुका है, इतना कॉमन टॉपिक बन चुका है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो WHO का हेल्थ वाला जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजीज़ एक इंसान हेल्दी है. एक इंसान हेल्दी तभी होगा जब उसके फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी हो. तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ साथ ना वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है या फिर मेंटली वो बहुत ज़्यादा वीक फील करता है. तो काउंसलिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ मेडिकल इंटरवेंशन देना, प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज, ये सारी चीज़ें. अप्लायंस आप बोलोगे कि मैम अप्लायंस क्या होगा, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी की हमने बात की थी जो इंक्लूसिव एडुकेशन में बहुत मैंडेटरी रोल प्ले करता है, तो ऐसे अप्लायंसेज का भी हम यहाँ पे उन लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं. सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एज वेल. नाउ एजुकेशन रिहैबिलिटेशन विच इंक्लूड्स वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ इन अ सोसाइटी. ठीक है, तो अगेन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या साइलेंट फीचर्स है. तो फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो, अर्ली डिटेक्शन एंड विद इंटरवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन अलॉन्ग विद काउंसलिंग, मेडिकल इंटरवेंशन, एवरीथिंग. देन एजुकेशन रिहैबिलिटेशन दैट विल इंक्लूड वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल. अब वोकेशनल क्यों चाहिए होता है? वोकेशनल हमेशा हमारी अर्निंग के लिए चाहिए होती है ना. प्रोफेशनल ये हमेशा रिलेटेड टू हमारी प्रोफेशनल वर्क से होता है रिलेटेड. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ इन द सोसाइटी. ऑब्वियसली ये तीन आपके साइलेंट फीचर्स से रिलेटेड टू द NPT 2006. अच्छा, और क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इससे रिलेटेड. इसकी डेफिनेशन दी गई है दैट इट वॉज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप्ड बाय द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अब आप बोलोगे कि एम्पावरमेंट होता क्या है? एम्पावरमेंट को हिंदी में कहते हैं आई थिंक सशक्तिकरण कहा जाता है. ठीक है, जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सुना होगा. अब वुमेन एम्पावरमेंट में हम देखेंगे कि पैनल में जो है ना वो 20 लोग बैठे हैं, यानी कि मेल बैठे हैं, वो बैठ के दे आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. तो दैट इज़ नॉट व्हाट वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट. वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि वुमेन को इक्वल स्टेज मिले, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, दैट विल बी वुमेन एम्पावरमेंट. अगर जो महिला है, जो वुमेन है, उसको अपने डिसीशंस खुद लेने का राइट ना मिले तो वो एम्पावरमेंट कैसे हुआ, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू बी गुड फॉर अ पर्सन, वो राइट जो है वो उसको खुद को ही मिलना चाहिए. दैट इज ऑल ऑल्सो वॉट एम्पावरमेंट स्टैंड फॉर. तो यहाँ पे इसी तरीके की बात की गई है. इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. अब अगेन वही सारी चीज़ें हो गई कि मेरे लिए मुझे क्या चाहिए या फिर मेरे लिए क्या सही होगा, ये डिसीजन कोई तीसरा पर्सन नहीं ले सकता जिसको जो रिलेट नहीं करता है मेरी प्रॉब्लम से, राइट? तो इसलिए इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द एम्पावरमेंट. तो एम्पावरमेंट हो तो इंक्लूजन भी उसमें पूरा पूरा मिलना चाहिए. द पॉलिसी एम टू एड्रेस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैरियर्स फेस्ड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड टू इंश्योर देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे ये पॉलिसी किस चीज़ के बारे में बात करती है? अगेन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैरियर्स, जो भी ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं वो फेस करते हैं, उन चीज़ को हटाना, उन सारी वो ये जो आइसोलेशन वाली बात होती है, सेग्रीगेशन वाली जो बात होती है, उन चीज़ को हटाना और इनको फुल पार्टिसिपेशन दिलवाना टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि ये भी अपनी पूरी तरीके से सहयोगता या फिर कंट्रीब्यूशन दे सके टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे. तो इनको भी पॉइंट वाइज ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आप लोगों के लिए लिखा है यहाँ पे. सो क्रिएटिंग फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन, अगेन वही इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, यही सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनता है. सेकंड है प्रोवाइडिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम दैट एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड एनेबल्स देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल. अब यहाँ पे बताया है बार बार ना आप ये इंक्लूसिव टर्म बहुत बार सुनोगे. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ होती है वो एक्सेसिबिलिटी होती है. ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, रिटेंशन, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रावधान है. तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाना है ताकि वो डाइवर्स नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन को केटर कर सके, चाहे फिर वो डिसेबिलिटी वाले सेक्टर से ही आए. एंड दे मस्ट बी एबल देम इन ऑर्डर टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि बच्चे के जितने पोटेंशियल है वहाँ तक वो उनको पहुँचा पाए. ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एक बैरियर एक बार सेट कर दिया, एक टारगेट सेट कर दिया कि तुमको तो 80% लाना ही है. अगर बच्चे की क्षमता जो है वो 60% है तो 60% तक लाए बच्चा. अगर मुझे पता है कि इस बच्चे की पोटेंशियल है 60% लाना, तो वो 60% तक ही लाए. ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने टारगेट सेट कर दिया कि नहीं सबने 80 लाना है तो आपको भी 80 लाना है. नहीं, यहाँ पे हमेशा
याद रखिएगा इस टर्म को, दैट इज़ IEP यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हर एक बच्चा इंडिविजुअल है, हर एक बच्चे की नीड जो है, हर एक बच्चे की एबिलिटी जो है वो, हर एक बच्चे की पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है, और यही सारी चीज़ों का पॉइंट बनता है इंक्लूसिव में। तो इंक्लूसिव में कभी भी हम लोग अगेन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे, टारगेट सेटिंग नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की बेंचमार्किंग हम नहीं करेंगे, ओके। इंक्लूसिव में हमेशा हम इंडिविजुअल एडुकेशन को ही ज़्यादा महत्व देंगे, बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से बच्चे को पढ़ाओ और उसी तरीके से बच्चे को असेस करो, ये बताता है इंक्लूसिव एडुकेशन और यही बताता है NPD 2006 एज वेल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, देखिए, प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब देखो क्या उनको कैसे कैसे काम मिल सकते हैं, तो वो चाहे तो अपनी एम्प्लॉयमेंट खुद ढूंढ सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये भी पर्सन विद डिसेबिलिटी कर सकते हैं। अच्छा इनको भी प्रमोट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और क्या बोला है, प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस, रिहैबिलिटेशन एंड असिस्टिव डिवाइस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी देनी है। तो अगेन हमने वही सारी चीज़ें पढ़ी है जो थ्योरी में पढ़ा था, उसी को मैंने कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। अच्छा और क्या बोला है, क्रिएटिंग बैरियर फ्री, तो इंक्लूसिविटी का मतलब ये होता है कि देर इज़ नो बैरियर। अब बैरियर किस किस रूप में हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो एटीट्यूडनल बैरियर। अगर एक इंसान, अगर सोसाइटी जो है वो वेलकमिंग नहीं है, अगर सोसाइटी जो है वो एक बहुत हीन दृष्टि रखते हैं, तो कभी भी वो बैरियर हट ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा सारी चीज़ें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, इतना रिजर्वेशन सिस्टम सब कुछ बना दिया, बट अगर लोगों की जो मानसिकता है, जो एटीट्यूड है, उसमें बदलाव नहीं आएगा, तो बहुत बड़ा बैरियर फिर भी रही जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके की बैरियर ना हो, इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अदर फैसिलिटीज टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अब आप देख सकते हो जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ पे सीट्स जो होती है वो रिजर्व्ड होती है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। साथ ही साथ हर जगह पे रैंप बने हैं, हर जगह पे आपके लिफ्ट होते हैं, या फिर जो भी स्टेशंस होते हैं या फिर एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको देखना एक थर्ड वॉशरूम होता है फॉर द डिफरेंटली एबल पीपल। तो ये सारी ही बैरियर फ्री करने की कोशिश की गई है बाय द गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी टू फैसिलिटेट इनोवेशन इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस। तो देखो किसी भी फील्ड में, चाहे फिर वो एडुकेशन हो, चाहे फिर वो मेडिकल हो, चाहे फिर वो मिलिट्री ही क्यों ना हो, इन दिस केस इन द डिसेबिलिटी सेक्टर यानी कि हेल्थ सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत मायने रखता है, राइट। क्यों? ताकि इनोवेशन आ सके, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को नए तरीके से बना सके और उन्नत बना सके, टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग कर सके, राइट। तो टेक्नोलॉजी जो हो वो एक कंस्ट्रक्टिव हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव हो। सो यहाँ पे प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी प्रमोट करने की बात करता है 2006 वाला NPD। एंड लास्ट पॉइंट बनता है, encouraging the participation of person with disability in decision making process and policy formulation at all levels. तो अभी हमने बात कही थी ये वाला, देखो yes, ये protection of right, enabling environment to ensure equal rights, right? तो यहाँ पे अगर उनके लिए सपोज डिसीशन लिया जा रहा है, तो उनको भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसी वहीं पे बोला गया है कि इनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ सच पीपल और PWD इन डिसीशन मेकिंग प्रोसेस भी ज़रूरी है, ताकि वो रिलेट कर पाए प्रॉब्लम से और वही डिसीशन भी ले पाए अपने लिए। हाँ, तो एंड में कंक्लूडिंग पार्ट क्या है, तो NPD 2006 रिकॉग्नाइज दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड देयर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द पॉलिसी एम टू क्रिएट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन ऑल द लाइफ, ऑल द सेक्टर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड देम विद इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था उसी चीज़ को हमने फिर से यहाँ पे कंक्लूजन में लाया है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा NPD 2006, होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे हम लोग चलेंगे NCF 2005। तो देखो NCF 2005 आप चाहे अगेन जो भी वाला पार्ट पढ़ो, चाहे आप प्राइमरी एडुकेशन के लिए पढ़ो, चाहे आप सेकेंडरी एडुकेशन के लिए पढ़ो, टीचर एडुकेशन के लिए पढ़ो, या फिर अभी इंक्लूसिव एडुकेशन के लिए पढ़ो, NCF 2005 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ, ये आप मुझे ना बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताना NCF 2005 कौन कौन से ईयर में बन चुका है, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। NCF 2005 कौन कौन से ईयर में बना है वो मुझे क्रोनोलॉजिकल बस डेट बताना, ईयर की डेट बताना, क्योंकि ये इस बार के एग्जाम में आए थे। और एक चीज़ मुझे बताइएगा कि जो रीसेंट वाला, रीसेंट जो NCF है, रीसेंट वाला कौन सा ईयर है और इसका नेम क्या है,
ठीक है, किस नाम से जाना जाता है या फिर कौन से सेक्टर के लिए बना है वो मुझे बताना है, मतलब कौन से स्कूल एडुकेशन या फिर प्राइमरी एडुकेशन या फिर कौन से पार्ट ऑफ एडुकेशन सिस्टम, आई होप आप लोगों को समझ आ गया मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ, तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको देना चाहती हूँ कि NCERT कौन कौन से ईयर में बना है वो डेट्स बताइएगा अभी तक, और रीसेंट वाला कौन से ईयर में बना है उसका नाम क्या है, कौन से पार्ट में वो बिलोंग करता है वो चीज़ मुझे बताइएगा। चलो अभी पढ़ते हैं NCERT 2005 में काम क्या हुआ था रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। सो NCERT 2005 रिकमेंड्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन इन ऑल स्कूल्स। तो अभी तक तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत बात हुई, अब NCERT 2005 कहता है कि चलो बहुत बातें तो बहुत हो गई, रिकमेंडेशन तो बहुत सारे, अब इनको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है। तो इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन इन ऑल स्कूल्स, ये NCERT कहता है, इट सजेस्ट दैट दिस फ्रेमवर्क शुड बी इनकॉर्पोरेटेड थ्रू आउट द एजुकेशन सिस्टम टू मेक श्योर दैट देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ देयर लाइफ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, तो सिंपल भाषा में यही कहता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक, यहाँ पे आप कर्सिव में देख सकते हो, ये है डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू NCERT 2005। तो NCERT 2005 ने इंक्लूसिव एजुकेशन का डिफाइन करते हुए कहा था, अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सुइटेबली अडेप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, दैट इज वॉट इंक्लूसिव एजुकेशन स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू NCERT 2005। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन दिया गया है उस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, मेन प्रिंसिपल्स क्या है, तो मेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, चाहे नेट हो चाहे सेट हो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्वेश्चन आते हैं, तो मेन प्रिंसिपल बोलो गाइडिंग प्रिंसिपल बोलो, टोटल 5 बने थे, कौन कौन से, सबसे पहले टू कनेक्ट लाइफ नॉलेज लाइफ आउटसाइड स्कूल। ठीक है, टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि बच्चे की जो नॉलेज होनी चाहिए, बच्चे को जो ज्ञान दे रहे हो आप, वो बस किताबी शिक्षा ना हो, ऐसा नहीं है कि बच्चा बस किताब में पढ़ रहा है, जितना लिखा है उतना ही समझे और फिर बाहर कुछ और ही चल रहा है, ऐसा नहीं हो, बच्चे का जो नॉलेज हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, ताकि बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो बाहर जाके उस चीज़ को इम्प्लाई भी कर सके अपने रियल लाइफ में। तो ये पहला पॉइंट बनता है। सेकंड पॉइंट है टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर नॉट लिमिटेड टू लर्निंग मैकेनिकली विदाउट थिंकिंग। तो यहाँ पे बोला है कि बच्चे जो है उनको बस मैकेनिकल शिक्षा ना दो, मैकेनिकल मतलब क्या होता है, रोबोट, बस एक बार कोड डाल दिया जैसा बोला है वैसा ही चलेगा, कुछ नयापन नहीं है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, बच्चा अपने तरीके से कुछ वहाँ पे इनपुट नहीं दे रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। मैकेनिकल बच्चा नहीं होना चाहिए, शिक्षा जो मैकेनिज्म है वो एक मैकेनिकल नहीं होगा, ताकि और फ्लेक्सिबल होगा इन अप्रोच। ठीक है, तो बच्चे की इंटरेक्टिव बनाना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है टू इनरिच करिकुलम एंड एनेबल इट टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था उसी चीज़ को फिर से बोला है कि बस किताबी शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है, इसको लाइफ आउटसाइड स्कूल से भी जोड़ना है। नेक्स्ट है टू मेक लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल बाई इंटीग्रेटिंग एग्जाम्स विद क्लासरूम लाइफ। ठीक है, तो अगेन जो भी एग्जाम्स है उसको क्लासरूम लाइफ से जोड़ो, ताकि शिक्षा जो है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन सके। एंड टू नर्चर एन आइडेंटिटी ऑफ प्राइम सिग्निफिकेंस इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द कंट्रीज डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ भी लास्ट में बोली गई है कि बच्चे की जो प्राइम सिग्निफिकेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ताकि एक ऐसा आइडेंटिटी बना सके बच्चा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री के अनुसार जाए। तो दीज आर द 4 मेन प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू NCERT 2005। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक गाइडिंग प्रिंसिपल में और थे, जैसे कि वो नो रोट लर्निंग, नो टू रोट लर्निंग, फिर टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, वो आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स गिवन हियर। तो वहाँ पे और भी थे, ये पॉलिटी वाला ऑप्शन और डेमोक्रेटिक वाला ऑप्शन था, और लाइफ आउटसाइड स्कूल वाला था, नो टू रोट लर्निंग थी, और टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ये भी थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेशंस क्या थी NCERT 2005 के, तो लर्निंग विदाउट प्रेशर था, तो किसी भी बच्चे को कोर्शन, फोर्सिंग, प्रेशर नहीं होनी चाहिए, बच्चा जो है वो लर्निंग को एक जॉयफुल एक्सपीरियंस की तरह देखे, एंड दे मस्ट नॉट स्टिक टू द टेक्स्ट बुक और बेस एज अ बेसिस फॉर एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में जितना लिखना है वो बस बुक में पढ़ लिया और एग्जामिनेशन में उसको ही एकदम उड़ेल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अपना दिमाग खर्चा करे, अपने दिमाग से सोचे और फिर एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट करे, ये बताया गया था NCERT 2005 के अकॉर्डिंगली। और क्या बोला है, दे शुड रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ लर्नर्स एंड देयरफॉर इट सजेस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू बी मेड इन द पैटर्न ऑफ सिलेबस। तो सिलेबस जैसा होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ना फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए इन एनी वे पॉसिबल,
तो यहाँ पे ये कहा गया था कि एग्जाम्स जो होंगी या फिर स्कूल जो होगा वो एक लर्निंग इन एज अ होल जो होंगी वो एक जॉयफुल एक्सपीरियंस हो, किसी भी वे में बच्चे को वो प्रेशर ना महसूस हो कि लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो रहा है, तो इसीलिए सिलेबस को चेंज करने वाली बात भी यहाँ पे की गई थी। सेकंड है सेल्फ रिलायंस की बात कही थी, लर्नर्स मस्ट बी इनकरेज टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग सोशल रिलेशन, दिस शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड प्रमोट नॉन वायलेंस अक्रॉस द सोसाइटी। तो यहाँ पे बोली गई कि देखो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर इंडिविजुअल डिग्निटी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में अगर आप बाहर जाके लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो या फिर स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होना, तो आई थिंक बहुत सारे चांसेस लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं हो स्ट्रीट स्मार्ट या फिर आप वेल स्पोकन नहीं हो, तो बहुत सारी ऐसे चांसेस होती है जो आप शायद बहुत ज़्यादा एबल भी हो बट फिर भी मिस कर देते हैं। इसलिए सेल्फ रिलायंस होना या फिर इंडिविजुअल डिग्निटी एंड ये सारी चीज़ें जो सेंस ऑफ यूनिटी एंड प्रमोट नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक एनरिचिंग सोसाइटी का गठन हो सके। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, इसमें क्या बोला, इट एनकरेजेस द प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन अप टू द एज ऑफ 14। तो ये हमने पढ़ा है, ठीक है, हम आगे UEE में भी पढ़ेंगे अंडर SSA। सो टीचिंग विद अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, इसके बारे में बताया था। तो यूनिवर्सल एनरोलमेंट या फिर UEE के बारे में बताया गया है, तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, कभी भी हम टीचर के हिसाब से नहीं बनाएंगे, बच्चे की जो नीड है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हम सिलेबस बनाएंगे, हमारा कंटेंट बनाएंगे और हमारा जो टीचिंग मेथड होगा वो भी उसी हिसाब से होगा। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ यूनिटी, इसमें क्या बोला है, देखिए टीचर्स मस्ट ट्राई टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड वननेस अमंग द लर्नर्स। फोर्थ है फॉलो पिलर्स ऑफ एजुकेशन, तो पिलर्स ऑफ एजुकेशन जो है, तो अकॉर्डिंग टू पी नायक उन्होंने क्या कहा था, क्वालिटी क्वांटिटी इक्वालिटी आर द 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड दिस मस्ट बी प्रमोटेड, ठीक है। तो 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, याद रखिएगा, क्वालिटी क्वांटिटी एंड इक्वालिटी, ओके। एंड 6 पॉइंट इज इक्वालिटी ऑफ ऑल लर्नर्स, तो इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स रिलीजन क्रीड कास्ट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑल द लर्नर्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इनको ही बात में बताया गया यहाँ पे, ओके। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स जिनको रिकमेंड किया गया था NSEP 2005 के अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहाँ पे और एक मेन चीज़ बताई गई थी, दैट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको पढ़ो। तो क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे, वहाँ से आपको पूछेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन वाले एक इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या क्या यूज़ करेगा एक टीचर या फिर एक स्टूडेंट, ठीक है। तो इनको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले है विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब क्या होता है, विजुअल यानी कि सिर्फ और सिर्फ दृष्टि, ठीक है, जो सिर्फ आप देख सकते हो, आप बोलोगे नहीं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करोगे, ठीक है। तो सिर्फ एक सेंस यूज हो रहा है, दैट इज विजुअल, ओके, सिर्फ दृष्टि हो रही है। तो ये आपका चार्ट हो सकता है, पोस्टर, डायग्राम एंड लाइक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द क्लासरूम इंक्लूसिव। तो विजुअल एड इज द फर्स्ट टीचिंग TLM इन इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड है गेम्स, तो गेम्स जैसे कि बोर्ड गेम्स हो गए, दैट कैन मेक क्लासरूम मोर फन एंड एंगेजिंग। तो हमें चाहिए कि लर्निंग जो है वो एक इंकरेजिंग हो, एक एंजॉइंग वाला एक्सपीरियंस दे। तो बोर्ड गेम्स हम बच्चे को खिलवा सकते हैं ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा एंगेज हो उसमें और उनको मज़ा भी आए पढ़ने में। दे अलाउ लर्नर्स टू रिलैक्स एंड ऑल्सो इंटरैक्ट विद अदर्स, थेरेपी इंप्रूविंग देयर सोशल स्किल्स, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चा सोशल स्किल्स भी, नए दोस्त बना सकता है उनको अपना जो इंटरेस्ट है वो भी उनको समझ आ सकता है कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है या फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ TLM इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल। तो अब देखो, फर्स्ट वाला पॉइंट था हमारा विजुअल, थर्ड पॉइंट हमारा ऑडियो विजुअल। तो इसमें सिर्फ दृष्टि का यूज़ हो रहा था एक सेंस, इसमें दो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो मतलब साउंड जो हम सुनते हैं, एंड विजुअल यानी कि जो देखते हैं। तो ये दो यहाँ पे सेंसेस यूज हो रही है, तो इसमें आप बोल सकते हो मल्टीमीडिया, आप बोल सकते हो, ठीक है, मल्टीमीडिया का एक एग्जांपल बोल सकते हो। तो ऑडियो विजुअल एड जैसे कि क्रिएटिव पावर पॉइंट मेजर प्रेजेंटेशन या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो दैट कैन ऑल्सो स्पार्क द इमेजिनेशन ऑफ लर्नर्स एंड हेल्प दम डेवलप एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो ये आपका ऑडियो विजुअल एड हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटीज़, यानी कि बच्चा खुद करेगा, एक्सपीरियंस करेगा उस चीज़ को। तो इनकॉर्पोरेटिंग द एक्टिविटीज़ दैट नॉट ओनली इन्वॉल्व द मेंटल स्किल्स ऑफ लर्नर्स बट ऑल्सो देयर फिजिकल स्किल्स कैन बी हेल्पफुल एज सम लर्नर्स मे बी किनेस्थेटिक लर्नर, ठीक है। तो किनेस्थेटिक का मतलब ही होता है बॉडी मूवमेंट, है ना, बॉडी मूवमेंट। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बॉडी मूव करके उनको ज़्यादा याद, अच्छी तरीके से याद होता है, या फिर एक्टिविटी के द्वारा उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आता है। तो वो आपका एक्टिविटी के द्वारा भी आप बच्चे को सिखा सकते हो, इट विल बी ऑल्सो बी अ TLM।
एंड लास्ट इज मॉडल्स. तो यूजिंग मॉडल्स स्पेसिफिकली फॉर साइंस सब्जेक्ट्स कैन हेल्प लर्नर्स गेन मोर नॉलेज अबाउट द टॉपिक एंड इट विल हेल्प देम ग्रास्प द कॉन्सेप्ट विद बेटर क्लैरिटी. तो मॉडल्स आप साइंस में यूज़ करते हो, कर सकते हो. वैसे आपकी ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफी वाली सब्जेक्ट्स होती है उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. तो मॉडल भी आपका TLM की तरह काम करेगा एज अ इंक्लूसिव क्लासरूम एडुकेशन. ठीक है. अच्छा अब आते हैं, ये हमारा NCF 2005 भी हमने पढ़ लिया. इसके बाद आएंगे हम कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू डाइवर्स लर्नर्स एकेडमिक एंड फाइनेंशियल इस वाले पॉइंट में. तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए गवर्नमेंट कंसेशन एंड फैसिलिटीज किस हिसाब से दी गई है. तो एज अ वेलफेयर स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफर वाइड वराइटी ऑफ कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू डाइवर्स लर्नर्स. अब बोलोगे कि मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी क्यों? तो देखिए गाइज, जैसे हमने SSC को पढ़ा था, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे SSC को. तो SSC को अगर हमें कोई भी हम स्कीम बनाते हैं, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे हमें जारी करना है, तो वो कोई भी एक पार्टिकुलर गवर्नमेंट उसको एक सक्सेसफुल नहीं बना सकता. ठीक है, टू मेक इट सक्सेसफुल हमें हर एक लेवल के गवर्नमेंट्स को सामने लाना पड़ेगा, साथ में लाना पड़ेगा. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है इस चीज़ को, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल बॉडी गवर्नमेंट, ये सारे को ही साथ में लेके आना पड़ेगा टू मेक द स्कीम और टू मेक द टू डिसीशन और द रिकमेंडेशन जो भी लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो यहाँ पे फॉर ईच कैटेगरी ऑफ कंसेशन अपार्ट फ्रॉम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द असिस्टेंस, डेफिनेशन ऑफ द हैंडीकैप, क्लियर गाइडलाइंस रिगार्डिंग अप्लीकेशन फॉर्म, प्रोसीड्यूर ऑफ अवेलिंग द बेनिफिट आर क्लियरली इनंसिएटेड एंड इलेबोरेटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ ऑर्डर्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, तो क्या कैसे कैसे कंसेशंस हैं यहाँ पे देखिए. तो ये सारे कंसेशन के कुछ पॉइंट्स मैंने दी है, जैसे कि ट्रैवलिंग बाई रेल, फ्री बस पास, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ पब्लिक टेलीफोन बूथ, स्कॉलरशिप्स मिलती है फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस है, असिस्टेंस टू चैलेंज्ड पर्सन्स फॉर परचेज. वैसे अभी चैलेंज वर्ड ना हम यूज़ नहीं करते, डिफरेंटली एबल यूज़ करते हैं. फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ हाउस साइट्स, प्रेफरेंस इन प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारे कंसेशंस प्रोवाइड होती है. ठीक है. अच्छा आगे क्या है, स्कीम्स फॉर डिजेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर क्या क्या आता है, तो इनको भी एक बार बस थोड़ा सा देख लो. तो स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट फॉर ऑफ स्टैंडर्ड 9 एंड अबव दिया जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है. असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड की जाते हैं, जैसे कि ऑर्थोटिक या प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस. ओके, और यहाँ पे देख सकते हो 5000 पर मंथ या फिर 50% कॉस्ट जो है वो भी बैड कर सकते हैं यहाँ पे. ग्रांट इन एड टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन टू एनकरेज NGOs, ग्रेट ग्रांट इन एड टू दोज इंस्टीट्यूशंस जो कि रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर जो भी रजिस्टर्ड होते हैं, रनिंग द एक्टिविटीज फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years या फिर शुड नॉट बी रनिंग फॉर प्रॉफिट. तो ये सारे जो है होते हैं ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको हम ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द गवर्नमेंट. अच्छा एडुकेशन फैसिलिटीज क्या मिलते हैं इसको भी देख लो. सो ये पॉइंट जो है, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा, ये एक्चुअली समग्र शिक्षा से लिया गया मैंने. सो इट वॉज लॉन्च इन 1819 अराउंड एंड हैज़ डेडिकेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन कॉम्पोनेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड इट एम्स टू लुक एट द एजुकेशन ऑफ CWSN इन अ कंटिन्यूम फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12. तो ऐसा नहीं बोला है कि बस नर्सरी के बच्चों को यहाँ पे दाखिला देना है, बाकी खुद देख ले चाहे स्कूल में पढ़े या ना पढ़े. नो, फिर ऐसा भी नहीं है कि जो बड़े हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा पढ़ना होगा. नहीं, बिल्कुल प्री नर्सरी से क्लास 12 तक जो जितना भी आपका स्कूल एजुकेशन होगा उसको पूरा कंप्लीट करवाना है. द स्कीम कवर्स ऑल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद वन और मोर डिसेबिलिटीज एज मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ डिसेबिलिटीज ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज RPWD एक्ट 2016 में लिखा गया इस चीज़ को. स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडेड और लोकल बॉडी स्कूल्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर द समग्र शिक्षा आर एज अंडर. ठीक है, क्या क्या, तो सबसे पहले देखो, टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन विद डिसेबिलिटी टू हैव एक्सेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे पहले तो यही करना है. इनरोलमेंट को बढ़ाना है, रिटेंशन, इनरोलमेंट रिटेंशन यानी कि एक्सेस करवाना है, रिटेन करवाना है, एंड अचीवमेंट इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो. इस एनरोलमेंट से मुझे याद आया, तो यहाँ पे ना बोला गया है कि प्राइमरी जो एजुकेशन होगी अकॉर्डिंग टू NEP 2020 में कहा गया है कि प्राइमरी स्तर में एजुकेशन का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GER जो है उसे हमें 100% तक लेके जाना है. ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि कौन से साल तक लेके जाना है.
कौन से साल तक हमने टारगेट बनाया है जहाँ पे हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो होगा उसमें 100% अचीव करना चाहते हैं. ओके, दिस इज सेकंड होमवर्क फॉर द डे. नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एट द स्कूल लेवल एंड असेसमेंट ऑफ हिज और हर एजुकेशनल नीड, ये भी करना है. आगे क्या है, प्रोविजन ऑफ एड एंड अप्लायंस एंड असिस्टिव डिवाइस, अगेन तो ICT रिसोर्सेज जैसे कि जॉज हो गया, साफा हो गया, इनको अवेल करवाना है, अवेलेबल करवाना है, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्कॉट एंड स्क्राइब अलाउंसेज, जैसे कि एग्जाम में ये सारी असिस्टेंसेज प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, एंड टू द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एज पर द रिक्वायरमेंट एंड स्टाइपेंड फॉर ऑल गर्ल्स विद स्पेशल नीड फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12. तो गर्ल्स के लिए स्पेशली जो है वो एक्स्ट्रा स्टाइपेंड भी मिलेगा बच्चों को फ्रॉम प्री प्राइमरी राइट टिल द 12th स्टैंडर्ड. नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर. तो आर्किटेक्चरल बैरियर वही होती है कि सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ ही है, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकते, उनको एक्सेस नहीं कर सकते, सब कुछ जो कि व्हील चेयर बाउंड है, तो उनके लिए रैंप बनवाना या फिर लिफ्ट का आयोजन करना. सो ऐसे आर्किटेक्चरल बैरियर्स जो है उनको हटाना है इन स्कूल सो दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी हैव एक्सेस टू क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज एंड टॉयलेट्स एज वेल. तो टॉयलेट का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाती है. नेक्स्ट है सप्लाइंग अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, वोकेशनल ट्रेनिंग सपोर्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस, ये सारी चीज़ें, अगैन थेरापेटिक सर्विसेज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड करवानी है. एंड जनरल स्कूल टीचर्स विल बी सेंसिटाइज एंड ट्रेंड. अब देखो सेंसिटाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है. सेंसिटाइज यानी कि वेलकमिंग, सेंसिटिव होना उसके लिए, ठीक है, उसको अपने इम्पैथेटिक होना. ओके, एंड इन्वॉल्व चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन जनरल क्लासरूम फॉर एग्जिस्टिंग स्पेशल एडुकेटर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विल बी अंडरटेकन. तो ऐसे जो स्पेशल एडुकेटर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का भी आयोजन करेंगे एज गवर्नमेंट, ताकि और ज़्यादा बेटर काम हो सके. आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. RCI 1992 है नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि दैट स्टैंड फॉर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. तो इसका लोगो ऐसा दिखता है, कुछ देख सकते हो. सो इट वॉज इनिशियली सेटअप एंड गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस. देखो ये स्टैट बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नेमली RCI एक्ट 1992. तो एक्ट कब बना, 1992 में बना. द एक्ट वॉज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड इन 2000. तो इसको अमेंड किया गया 2000 में. एंड द काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग द ट्रेनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल, प्रमोटिंग द रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन, रिसर्च इन रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन. तो ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है. तो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है रिहैबिलिटेट करना, यानी कि सपोज जो कि एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे कंडीशन में है जो जिसमें हेल्प चाहिए, तो उनको हेल्प दिलवाना, उनको फिर से नॉर्मल लाना, यह आपका रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है. ओके, तो RCI में कौन कौन आएंगे, द प्रोफेशनल एंड पर्सनल्स को, सबको यहाँ पर रिसर्च के थ्रू, स्पेशल एडुकेशन के थ्रू हेल्प करना, ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का बनता है. सो इट वॉज सेटअप एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी 1986. ऑन सेप्टेम्बर 1992 इसको एक्ट बनाया गया बाई पार्लियामेंट एंड बिकेम अ स्टैट बॉडी ऑन जून 1993. 22 जून 1993 में ये स्टैट बॉडी बन गया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो सेम चीज़ें लिखी गई है. गिवन स्टैट बॉडी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो था वो 1992 का था, ठीक है. और स्टैट बॉडी बनी कब, ये जून 1993 में जाके ये स्टैट बॉडी बनी. द एक्ट वॉज अमेंडेड बाई 2000 by the parliament to make it more broad-based, ठीक है, और ज़्यादा इसको बढ़ा करने की कोशिश की गई. द मैंडेट गिवन टू RCI टू रेगुलेट. अब काम क्या है इनका, regulate and monitor the services given to person with disability, to standardize the syllabi and to maintain a central rehabilitation register of all the qualified professionals and personnel working in field of rehabilitation and special education. The act also prescribes punitive action against unqualified person delivering service to person with disability. देखो ये जो पूरा particularly जो पैरा है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है. मैं बताती हूँ, आई थिंक आपके 2019 का आई थिंक क्वेश्चन था, 2019 के किसी एक साल में, आई थिंक 2019 के आई थिंक किसी एक सेशन में, जुलाई में या दिसंबर में या तो 2020 में किसी में तो एक आया था, बट आया था पक्का, या तो 2020 में के क्वेश्चन पेपर में आया था या 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था, जहाँ पे बोला था कि RCI के काम क्या है, RCI के फंक्शंस क्या है. तो इन्हीं सारे जो भी मैंने आपको लाइन टू लाइन पढ़ा ना, उनको एक पॉइंट वाइज आपके क्वेश्चन में डाल दिया था, ठीक है. तो याद रखिएगा क्या क्या काम है इनके, देखो. सो यस, रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस गिवन टू द PWD, देन स्टैंडर्डाइज द सिलेबस,
maintain a central rehabilitation register for all the qualified professional and personal working in this field. And also the act prescribes punitive यानी कि punishment, ठीक है, action against unqualified person. तो ऐसे person जो कि unqualified है, ठीक है, उनके अगेन action भी लिया जाएगा, ये भी बोला गया है. Next है की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCI एक्ट 1992, इसमें क्या बोला गया है, टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज द ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन काउंसलर स्पेशल एडुकेटर एंड वोकेशनल इंस्ट्रक्टर टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी रिहैबिलिटेशन सर्विस एंड टू इंश्योर दैट दीज सर्विस आर एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटी थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, नेक्स्ट है टू मेंटेन अ नेशनल रजिस्टर ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड टू इंश्योर दैट दे मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड एथिकल कंडक्ट सेट बाय द RCI. To promote research and development in the field of rehabilitation and to encourage innovation, design and delivery of rehabilitation service. To promote the inclusion of persons with disability in all aspects of society and to work towards the elimination of barriers. ठीक है, and to prevent their full participation. Prevent barriers that prevent their full participation. Yes. तो देखो key objectives again बिल्कुल point to point समझते हैं. सबसे पहले regulation and standardization of all these professionals. जो भी training देगा जैसे कि काउंसलर हो गए, स्पेशल एडुकेटर्स हो गए, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हो गए. सेकंड है प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी रिहैबिलिटेशन सर्विस, देन मेंटेनिंग अ नेशनल रजिस्टर ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जो भी इसमें है, इस फील्ड में है, सबके लिए एक रजिस्टर प्रोवाइड करना ताकि सबका रिकॉर्ड रहे इनके पास. प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड ताकि और ज़्यादा इनोवेशन आए, और ज़्यादा हेल्प कर सके, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का और ज़्यादा बनाया जा सके. एंड टू प्रमोट द इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद इन ऑल सेक्टर ऑफ लाइफ, इस चीज़ को भी यहाँ पे बोला गया RCI 1992 के अकॉर्डिंगली. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा SSA, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान ऑफ 2001. इसमें क्या बोला है, दैट एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइंड कैटेगरी एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड मीनिंगफुल एंड क्वालिटी एडुकेशन. ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान है, ये UEE की बात करता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन. सो इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एडुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज एंड डिसएडवांटेज ग्रुप. तो आप पूछोगे कि मैम मार्जिनल कौन होते हैं, तो मार्जिनल कौन होते हैं, डाइवर्स लर्नर्स कौन होते हैं, ये हमने एकदम फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था. तो इनकेस आपने वो मिस कर दिया है तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि अगेन आप लेक्चर वन को पक्का से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. सो वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ SSA इज प्रमोटिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन विच इंश्योर्स दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड दोज फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड हैव एक्सेस टू एजुकेशन ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स. ठीक है, तो ये SSA कहता है कि किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन वॉट एवर बेसिस, और इंक्लूसिव एजुकेशन का गठन करेंगे, ये बताया जाता है. नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन इन SSA, यहाँ पे क्या बोले, तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. अगेन थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ UE क्या क्या होगा, तो एक्सेस, एनरोल एंड रिटेंशन. ठीक है, इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एक्सेस, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा. ठीक है, बार बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि तीन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते क्या है रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन गिवन बाय SSA और UEE. तो सबसे पहले एक्सेस, एक्सेस यानी कि प्रोवाइड करवाना, अवेलेबल करवाना. अगर स्कूल ही नहीं है, सपोज बच्चा जो है वो स्कूल जाना तो चाहता है, पढ़ना तो चाहता है, बट उसके आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, उसको 100 किलोमीटर दूर जाके स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, तो वो नहीं होगा, राइट, वो उसके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है. तो सबसे पहले तो एक्सेसिबल बनाओ, उसके बाद एनरोल करवाओ बच्चे में, बच्चे को, और फिर रिटेन भी करवाओ. ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास वन में पढ़ा, क्लास थ्री में उसने छोड़ दिया स्कूल, नहीं, क्लास ट्वेल्व तक उसको अपनी पूरी स्कूली शिक्षा जो है वो कंप्लीट करनी है. तो यहाँ पे बोली गई थी 6 to 14 years old जो है इसके बाद की गई है. नाउ दिस गोल ऑफ UEE हैज फर्दर बीन फैसिलिटेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज 86th अमेंडमेंट. यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन चुके हैं कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, इट वॉज 86th अमेंडमेंट एक्ट मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. ठीक है, तो यहाँ पे CWSN के लिए मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहती हूँ कि ये जो है वो 6 to 14 जो है वो नॉर्मल स्कूल चिल्ड्रन के लिए, बट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 6 to 18 years की बात की गई है. ठीक है, 6 to 18 years old की बात की गई है. 6 to 14 जो है वो रेगुलर चाइल्ड के लिए है, और 6 to 18 जो होगा वो बच्चे का, यस, इंक्लूसिव एजुकेशन वाले बच्चे होंगे, और ये एलिमेंट्री शिक्षा की बात करता है. ठीक है, नॉट प्राइमरी, एलिमेंट्री. ऑलराइट, सो दिस अमेंडमेंट हैज़ गिवन अ न्यू थ्रस्ट टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एज विदाउट देयर इंक्लूजन द ऑब्जेक्टिव ऑफ UEE कैन नॉट बी अचीव्ड. ओके, आगे देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा. तो यहाँ पे ऐसे से provides up to 1200 per child for inclusion of disabled children as per specific proposal per year. ठीक है, तो 1200 का उनको
मिलने की बात की गई है किनको, CWSN वाले चाइल्ड को, बच्चों को। डिस्ट्रिक्ट प्लान फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज फॉर्मुलेटेड विद इन द ₹1200 पर चाइल्ड नॉर्म। इंटरवेंशन अंडर SSF फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन और आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल एंड फॉर्मल असेसमेंट एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशनल प्लेसमेंट, प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, प्रोविजन ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज, टीचर ट्रेनिंग, रिसोर्स सपोर्ट, रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चर बैरियर, रिसर्च, मॉनिटरिंग, इवेल्यूशन एंड स्पेशल फोकस ऑन गर्ल विद स्पेशल नीड्स है ये, ठीक है। दिस इज स्पेशल नीड्स वाला कंप्लीट आपका सेंटेंस होता। तो यही सारी चीज़ें बोली कि इंटरवेंशन जो है वो किस हिसाब से होगा, तो आइडेंटिफिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द इशू की बात की गई है, देन फंक्शनल फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द IEP जो इंक्लूसिव में होगा ही होगा, टीचर ट्रेनिंग को, रिसोर्स सपोर्ट को, हमने और भी जैसे मॉनिटरिंग पड़ी है, ठीक है, आर्किटेक्चरल बैरियर को हटाने की बात कही है, और स्पेशल फोकस किस पे होगा, ऐसे बच्चियों पे होगा क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो इसीलिए उनको भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सुविधाएं है वो मिलनी चाहिए। अच्छा, और क्या यहाँ पे बोला है, SSS पॉलिसी ऑन इंक्लूजन, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इट सेज अबाउट जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन चुका है कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी जो है ये कौन से एक्ट के अनुसार आया या फिर कौन से स्कीम में आया, तो ये SSA बोलता है, ठीक है। तो SSA इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड इररेस्पेक्टिव ऑफ द काइंड, कैटेगरी एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड मीनिंगफुल एंड इक्वालिटी एजुकेशन, हेंस SSA हैज अडॉप्टेड अ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन यानी कि किसी को भी हम मना नहीं कर सकते, अगर कोई बच्चा एजुकेशन स्कूल में दाखिला लेना चाहते तो उसको हम किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज जीरो रिजेक्शन ऑन व्हाटएवर बेसिस, ऑन व्हाटएवर बेसिस, व्हाटएवर एबिलिटी, व्हाटएवर डिसेबिलिटी, हम किसी भी बच्चे को मना ही नहीं कर सकते हैं टू गेट एजुकेशन। सो दिस मीन्स दैट नो चाइल्ड हैविंग स्पेशल नीड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एजुकेशन एंड टॉट इन एन एनवायरमेंट विच इज बेस्ट सूटेड टू हिज और हर लर्निंग नीड्स, एंड दिस इंक्लूड स्पेशल स्कूल्स, EGS, AIE और इवन होम बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। तो मैं अगेन आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ, ये चीज़ आप खुद ढूंढोगे, EGS एंड AIE के फुल फॉर्म्स क्या है ये आप मुझे खुद ढूंढ के बताइएगा। क्या बोला मैंने, EGS एंड AIE का फुल फॉर्म क्या है, आपको मैं पूरा पूरा छूट देती हूँ कि आप गूगल का यूज़ करो। कैसे इसको ढूंढना है, EGS इन इंक्लूसिव एजुकेशन, AIE इंक्लूसिव एजुकेशन, फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको अगेन करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सेकेंड, टेक्निकल ग्लिच, हाँ। सो SSA हैज अडॉप्टेड अ मोर एक्सपेंसिव एंड ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन वेर इन अ मल्टी ऑप्शन मॉडल ऑफ एडुकेटिंग CWSN इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये मल्टी ऑप्शन मॉडल का भी टर्म जो है इसको याद रखिएगा कृपया, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आई थिंक बहुत रिसेंटली आपका बना था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज कर, आई थिंक ये वेस्ट बंगाल सेट में आई थिंक ये क्वेश्चन बना था, ठीक है, मुझे याद नहीं है, बट बहुत रिसेंटली ये क्वेश्चन बना है, आई गेस मैंने वेस्ट बंगाल सेट में ही देखा था। ये मल्टी ऑप्शन मॉडल जो है वो SSA फॉलो करता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंसली याद रखा। तो लास्ट हमारा पॉइंट बनता है UNCRPD, चलो इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। UNCRPD आप डेट देख सकते हो 2006, और ये इनका लोगो है UN का। सो UNCRPD स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन विच सेट्स आउट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, सिंपल बात। द पर्पज ऑफ UNCRPD इज टू प्रमोट, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom by all persons with disability and to promote respect for their inherent dignity, ठीक है। तो यही बात अगेन कही गई है कि UNCRPD के मेजर तीन पॉइंट्स क्या कहते हैं, टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर, PPE, ओके। सो इट इज मेड अप ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स, द कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विच कंटेन्स द मेन ह्यूमन प्रोविजन राइट प्रोविजन एक्सप्रेस्ड एज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल एंड द ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो दो कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सबसे पहला तो मेन ह्यूमन राइट प्रोविजन है और दूसरा ऑप्शनल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट से बना हुआ है। एंड लास्ट क्या पॉइंट बनता है, CRPD एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल ओपन्ड, आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया वाला एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है, द कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड ऑन 13th December 2006, ये डेट याद रखना गाइस,
13 दिसंबर 2006 को इसको लाया गया था एट द UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क. ठीक है, तो कहाँ हुआ था? UN हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है यहाँ पे, एंड वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 30 मार्च 2007 में. ठीक है, तो इसमें सिग्नेचरीज जो थे वो 30 मार्च 2007 से स्टार्ट हुआ था. टोटल 82 सिग्नेचरीज टू द कॉन्वेंशन थे, 44 सिग्नेचरीज टू द ऑप्शनल प्रोटोकॉल एंड 1 रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्वेंशन. ठीक है, तो ये उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. एंड इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट ट्रीटी ऑफ द 21st century एंड इज़ द फर्स्ट ह्यूमन राइट कॉन्वेंशन टू बी ओपन फॉर सिग्नेचर बाई रीजनल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्वेंशन एंटर्ड इन टू फोर्स बाई ऑन 3rd May 2008. ठीक है, तो इन्फोर्स कब से हुआ? 2008 से, मई 2008 से. और इसको लाया कब गया था? 13 दिसंबर 2006 में. ठीक है, अच्छा यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो UNCRPD विच इंडिया साइंड ऑन 30 मार्च 2007 को ही इंडिया ने भी साइन किया था, वॉज रेटिफाइड एंड केम इन टू फोर्स ऑन 3rd May 2005. पढ़ा इसको 2008. एंड 3 इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस अराइज आउट ऑफ द कॉन्वेंशन. कौन कौन सा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ UNCRPD, हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडियन लॉज विद UNCRPD एंड प्रिपरेशन ऑफ अ कंट्री रिपोर्ट बाय 2010. ये 3 पॉइंट्स जो है वो इंडिया से रिलेटेड है. ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा. सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ UNCRPD, तो जो भी साइन किया उसको अभी इनएक्ट भी तो करना है ना, तो ये पहला बनता है. नेक्स्ट है हार्मोनाइजेशन ऑफ इंडियन लॉज विद UNCRPD. हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है दोनों को ना रिलेट करना, साथ में लाना. ठीक है, तो इंडियन लॉज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको UNCRPD के साथ रिलेट करवाना. एंड लास्ट पॉइंट बनता है प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट, कंट्री रिपोर्ट बाय 2010. तो क्या काम हुआ है उसके बारे में एक रिपोर्ट भी बनाने की बात की गई है बाय 2010. अच्छा, इसके बाद क्या बोला है देखो, सेवरल इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस फॉर गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. इन चीज़ों का भी गठन हुआ था यहाँ पे. तो सबसे पहले रिकॉग्निशन, प्रमोशन एंड एक्सेसिबिलिटी, अभी जिन तीनों को हमने पढ़ा है. ठीक है, ठीक है, रिकॉग्निशन, प्रमोशन एंड एक्सेसिबिलिटी, इन तीनों ही चीज़ों के बारे में बताता है UNCRPD. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, कैपेसिटी. तो इनकेस आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है तो भी आप थोड़े थोड़े ये जो फर्स्ट जो पॉइंट्स हैं ना उनको भी पढ़ के जाओगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोली गई है. तो सबसे पहला पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, एक्सेसिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ये 6 पॉइंट्स UNCRPD के बारे में, UNCRPD बताता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में. अच्छा, क्या प्रोविजंस लाए गए थे इसमें, इसको थोड़ा देख लो. तो सेक्शन 2 ऑफ द PWD Act 1995 डिफाइंस रिहैबिलिटेशन. क्या बोला है? रिहैबिलिटेशन को कैसे डिफाइन किया है? अ प्रोसेस एम्ड एट एनेबलिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी टू रीच एंड मेंटेन देयर ऑप्टिमल फिजिकल, सेंसरी एंड इंटेलेक्चुअल, साइकेट्रिक और सोशल फंक्शन लेवल. इस चीज़ को यहाँ पे PWD Act 1995 में रिहैबिलिटेशन को डिफाइन किया गया है इस डेफिनेशन से. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. देखो UNCRPD हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अभी जो है ना यहाँ पे जितना भी पढ़ेंगे हम लोग वो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो आपके एक्स्ट्रा नोट्स है रिलेटेड टू दिस पार्ट. सो सेक्शन 2W में ये आपका दिया हुआ है. अच्छा, सेक्शन 66 ऑफ PWD Act में क्या है? डील्स विद रिहैबिलिटेशन, रेड एज फॉलोज. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू अंडरटेक रिहैबिलिटेशन. फर्स्ट पॉइंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट अंडरटेक द कॉज. नेक्स्ट है फॉर पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1. एंड थर्ड इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी वेल फॉर्मुलेटिंग रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज शैल कंसल्ट द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये 3 पॉइंट्स आपके सेक्शन 66 ऑफ PWD Act 1995 में बनता है. अच्छा, कुछ मेजर कॉम्पोनेंट्स भी बताई गई है RPWD में से, इसको देखो. यस, सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज. सम ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर प्रोविजन ऑफ असिस्टिव एड्स एंड अप्लायंसेस, एडुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, असिस्टेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इन और असिस्टेंस फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग. ठीक है, तो ये 5 आपके मेजर पॉइंट्स बनते हैं रिलेटेड टू रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का पॉइंट. अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बने हैं. और इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक टिप ट्रिक भी बताऊंगी. तो सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, इनको समझने का या फिर इनको याद रखने का तरीका क्या है. तो सबसे पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड, दैट इज़ NIVH, इन प्रेजेंट इन देहरादून. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, इट इज़ प्रेजेंट इन चेन्नई. स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहैबिलिटेशन, इट इज़ प्रेजेंट इन कटक. नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड इन मुंबई. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली चैलेंज्ड सिकंदराबाद.
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोलकाता एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये टोटल 7 जो है ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तो इनमें से जो 4 पॉइंट्स हैं ना उनको मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता सकती हूँ। ठीक है, इन चारों का मैं याद रखने का ट्रिक बता सकती हूँ। तो देहरादून है विजुअली हैंडीकैप, तो देहरादून इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, राइट, ब्यूटीफुल प्लेस। तो ब्यूटी कहाँ से देखते हैं, हम आँखों से देखते हैं, तो अगर आँख खराब हो जाएंगे तो ब्यूटी नहीं दिखेंगे, इसलिए आप देहरादून जाओ, आँख ठीक करो और ब्यूटी देखो। तो सबसे पहले देहरादून इज़ विजुअली हैंडीकैप। ठीक है, सेकंड इज़ मुंबई। अब मुंबई जो है वो मुंबई में बहुत लोग जाते हैं। ठीक है, मुंबई इज़ द सिटी ऑफ आई थिंक ड्रीम्स कहा जाता है उसको, राइट, सपनों का शहर कहा जाता है, एंड इट नेवर स्लीप्स, राइट। तो हमेशा ही उसमें शोर शराबा तो होता ही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होती है उसमें, तो हियरिंग, इतनी ट्रैफिक होगी, इतनी शोर होगी तो हियरिंग का तो प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ जाओ, कान खराब करो और कान सुधारो भी मुंबई पे। नेक्स्ट है मेंटली हैंडीकैप्ड सिकंदराबाद। ठीक है, अब सिकंदराबाद जो है, जो नाम आया वो सिकंदर से आया, एंड सिकंदर कौन थे, सम्राट थे, राइट। सो सम्राट जो है वो ताज पहनते, कहाँ पहनते, सर पे पहनते, तो सर इज़ मेंटल, राइट। एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, देखो कोलकाता जो है ना उसमें पैसे कमाने के लिए या जॉब ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मेहनत करनी होती है। तो मेहनत कैसे करोगे, अपने ऑर्थोपेडिक हाथ पैर से ही करोगे ना, तो इसीलिए अपने हाथ पैर सुधारने के लिए आप कोलकाता आके ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप नेशनल इंस्टीट्यूट में देख सकते हो। ठीक है, तो ये 4 मेरे ट्रिक्स मैंने अपने एग्जाम में याद रखने के लिए बनाए थे, तो आई थिंक आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे निमोनिक वगैरह बना सकते हो, क्योंकि इनका लिटरली कोई आपका कोई भी लॉजिक नहीं होता। ठीक है, और जितना फनी हो ना, जितना भी ये गूफी टाइप का हो, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो एक बार आपने याद कर लिया कभी नहीं बोलोगे, एक बार आपने याद कर लिया कभी नहीं बोलोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ओके। सो आई थिंक यही तक था हमारा आज का पॉइंट, ऑलराइट। तो इन केस यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, सो डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए ये सारे पॉइंट्स और भी क्लियर कर पाऊँ। और इस PDF को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिएगा, आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इश्यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत साफ भाषा में और बहुत बिल्कुल जो रिपोर्ट में लिखा है वहीं से मैंने कहीं ना कहीं पॉइंट्स छाट के आप लोगों के लिए लाने की कोशिश की है, जो मेजर पॉइंट्स है जहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि ये वाला मैंने बताया ना, यहाँ से आपके ऑलमोस्ट बैक टू बैक आपके 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं थ्रू आउट द ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवाए हैं यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उनको ट्राई कीजिएगा और जितने हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं फॉर डाउट क्लियरिंग। ठीक है, डाउट क्लियरिंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग आपकी क्वेश्चन के द्वारा ही हो सकती है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। बट जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क लाई हूँ अगैन। तो क्वेश्चन फॉर द डे इज टेक्निक्स बाय विच वी कैन स्टडी एंड इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी बाई ऑब्जर्विंग हिज और हर स्टाइल ऑफ लाइफ बिहेवियर मैनर थाट्स एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड इन्वेंटोरी केस हिस्ट्री रेटिंग्स के लिए प्रोजेक्टिव। ठीक है, तो क्या यूज़ किया जाता है ये आप मुझे होमवर्क में बताइएगा। ठीक है, होमवर्क में कहाँ बताना है आपको, अगैन कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैं जितने भी आपको एंड ऑफ द डे क्वेश्चन देती हूँ, एंड ऑफ द लेक्चर क्वेश्चन देती हूँ, वो रिसर्च से ही होता है, क्योंकि रिसर्च वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा होते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे ना PhD एंट्रेंस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। सो रिसर्च वाला क्वेश्चन देख लो, मैं फिर से पढ़ के बताती हूँ आपको। द टेक्निक्स बाय विच वी कैन स्टडी एंड इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी बाय ऑब्जर्विंग हिज और हर स्टाइल ऑफ लाइफ बिहेवियर मैनर थॉट्स एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड इन्वेंटोरी केस हिस्ट्री रेटिंग्स के लिए प्रोजेक्टिव। क्या होता है वो मुझे बताइएगा आप होमवर्क में, ओके। अच्छा, सो होपफुली आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा या फिर अच्छा लगा होगा। इन केस यू प्रिफर दिस मोड ऑफ लेक्चर या फिर वीडियो, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको लाइव देखना ज़्यादा पसंद है या फिर आपको ऐसे अपलोडेड वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और जाने से पहले मैं बता दूँ कि वीडियो को अगर कुछ भी आपको समझ आया होगा, कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। PDF वगैरह बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो यस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चाहो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जाम्स और ये सारे PDF वगैरह भी वहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गुड डे सभी को।